सूबे की कमलनाथ सरकार इस साल प्रसिद्ध मांडू उत्सव को बड़े पैमाने पर मनाने जा रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कमलनाथ सरकार मांडू उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की योजना पर काम कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थलों में शुमार और हेरिटेज साइट के लिए यूनेस्को में नामित मांडू पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। दिसंबर में होने जा रहे मांडू उत्सव को पर्यटन विभाग इस बार व्यापक पैमाने पर मनाने की तैयारी कर रहा है। नर्मदा घाटी विकास और पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने आज धार पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थल मांडू की एक अलग पहचान बताने के लिए देश प्रदेश के साथ साथ विश्व में भी प्रचार प्रसार करने की योजना बनाई जा रही है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि इस उत्सव में देश के बड़े मीडिया हाउसेस और विदेश के पत्रकारों को भी आमंत्रित करने की योजना पर काम किया जा रहा है ताकि पर्यटन स्थल मांडू को वैश्विक पहचान मिले। देखिए मांडू उत्सव इस बार बहुत अलग स्वरूप में और एक अलग वे में होने वाला है। पिछले तरह जिस तरह से होता रहा उस तरह से नहीं होगा। इस बार हम टूरिज्म डिपार्टमेंट इस इवेंट को करने वाला है जिसको हम एक नए शहर के रूप में मांडू को विकसित करेंगे, जिसमें हेरिटेज होगा, कला होगा, संस्कृति होगी, पेंटिंग भी हो सकती है, स्पोर्ट्स इवेंट्स भी हो सकते हैं, कैंपिंग भी हो सकते हैं। इस तरह का पूरा एक पैकेज बना के हम उसकी पब्लिसिटी मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अलग प्रदेशों में भी करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको हम ले जाएंगे कि मांडू की एक अलग पहचान है और हेरिटेज साइट के लिए भी हम यूनेस्को में भी हम लोगों ने इस बार मध्य प्रदेश से मांडू का नाम गया हुआ है। तो मांडू की एक अलग पहचान है, वो पहचान हमको लोगों को बताने की आवश्यकता है, उस तरह से हम पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने झाबुआ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को सूबे की कमलनाथ सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर बताया। देखिए एक साल की उपलब्धि झाबुआ चुनाव में जनता ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस का साथ देके बता दिया है कि मध्य प्रदेश में जो 15 सालों में नहीं हुआ है 10 महीने में हमारे श्रद्धेय कमलनाथ जी की सरकार ने क्या क्या कर दिया। ऋण माफ़ी मांग लीजिए, बिजली बिल का मान लीजिए, युवाओं के रोज़गार की बात कर लीजिए, इन्वेस्टर मीट, इस तरह की इन्वेस्टर मीट मध्य प्रदेश में पहले कभी नहीं हुई है, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मध्य प्रदेश में जो वातावरण माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाया तो लोगों को एक भरोसा कायम हुआ है, लोग मध्य प्रदेश में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सिंचाई के क्षेत्र में भी आप देखेंगे बड़ी बड़ी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, मेट्रो एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह की अनगिनत मध्य प्रदेश की सरकार की उपलब्धियाँ हैं जो 10 महीने में देखी है और आने वाले सालों में बहुत कुछ ऐसा विकास जमीनी स्तर पर प्रदेश स्तर पर आपको दिखेगा। कुल मिलाकर मांडू उत्सव का व्यापक स्तर पर आयोजन इलाके में रोजगार को बढ़ावा देगा। इसके साथ साथ प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को विश्व पटल पर प्रदर्शित भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, धार।